देखिए राष्ट्रपति जी हमारे देश का गौरव है, और आप जानते हैं जब राष्ट्रपति आते हैं तो देश में उत्साह और उमंग होता है। भारत के राष्ट्रपति का अपना एक बहुत बड़ा सम्मान है, और राजस्थान तो वीरों की धरती है, और वीरों की धरती पर हम राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हैं। ये देश, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ राष्ट्रपति का अपना एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो हम राष्ट्रपति जी का आज सबका स्वागत होगा, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रपति जी खुद विधानसभा के सत्र को संबोधित करेगी, पूरा राजस्थान उनका स्वागत करता है। देखिए कर्म और कुकर्म की बात करना बीजेपी के नेताओं को शोभा नहीं देता। 15 लाख लेकर आएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड टूट गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार पाप कर रहे हैं, ये कहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा दिया। टैक्स हमने नहीं लगाया। इस वक्त $61 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल के दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। सरदार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल और डीजल ₹70 लीटर के नीचे बेचते थे। आज तो $61 प्रति बैरल है, आधे से भी कम है। तो भाई साहब आप ₹40 लीटर में बेचो ना। और ये कहते हैं राजस्थान की सरकार का टैक्स ज़्यादा है, झूठ बोलते हैं। 2014 में वसुंधरा जी की सरकार का जितना टैक्स था उससे कम टैक्स आज राजस्थान में है। इसलिए ये डायलॉगबाजी बंद करो और ये बताओ 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताओ, आपने क्या किया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है। आप खुद भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी की फैक्ट्री चला रहे हैं। आम आदमी दुखी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आपने कही थी, 2 करोड़ लोगों को छोड़कर आपने 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसलिए मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डायलॉगबाजी करती है, खुद की उपलब्धि एक बताती नहीं। और मैं आज कह रहा हूँ ये राजस्थान की धरती है, ठाकुर जी की धरती है, गोविंद देव जी की धरती है। जयपुर से बोल रहा हूँ, बीजेपी का पता नहीं चलेगा, सफाया हो जाएगा। हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है। कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। जहाँ का चीफ मिनिस्टर ये बात कर रहा हो, राजस्थान की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, इनका पता नहीं चलेगा। और विधानसभा में इनको ठोक कर जवाब देंगे, इनका झूठ फरेब और धोखा चलेगा नहीं। झूठ फरेब और धोखे के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर झूठे आरोप यदि विधानसभा में बीजेपी लगाएगी तो मैं बीजेपी को खुली चुनौती देता हूं, जो भार आपने झूठे आरोप जो भ्रष्टाचार के राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पर लगाएं, यदि दम है तो सदन में टेबल करना। टेबल करोगे, कानून कायदे के अनुसार बहस कराना, सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि बीजेपी का और बीजेपी के नेताओं का सबका चेहरा काला है, और सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस डरती नहीं है, हमें लड़ना और मरना आता है। हमारी पार्टी का नेता राहुल गांधी है, जिसकी आपने सदस्यता छीन ली, मकान छीन लिया, लेकिन बजरंगबली की कृपा हो गई और कर्नाटक से बीजेपी का कार्यालय, मकान, दुकान सब छीन लिए। वही शुरुआत जो कर्नाटक में हुई राजस्थान में होगी।